फ्रेंड्स, चलिए हम आपको आज बताने वाले हैं 3 नंबर कान्हा जी के लिए चोली, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 2 कलर लिए हैं और ये मैंने 11 नंबर सिलाई ली हुई है। इसी से मैं आपको ये चोली बनाना बताऊंगी। 3 नंबर लड्डू गोपाल के लिए काफ़ी कमेंट आ रहे हैं कि मैं चोली बनाना बताऊँ, तो चलिए बिना जालियों वाली मैं आपको बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही ईजी सी, एक बहुत ही प्यारी सी लड्डू गोपाल के लिए, 3 नंबर लड्डू गोपाल के लिए हम चोली बताएंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कान्हा जी की चोली आपको कैसी लगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले हम फंदे डालेंगे और पिंक से ही हमने फंदे डालने हैं इस तरह से। ये देखिए, आप अपनी पसंद का इसमें कोई भी कलर ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। और इस तरह की अपने लड्डू गोपाल के लिए चोली आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम 20 फंदे डाल लेते हैं और आपको फिर दिखाते हैं। यहाँ पे मैंने 3 नंबर लड्डू गोपाल के लिए 20 फंदे डाल लिए हैं। इसी से मैं आपको बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही ईजी सी, ये देखिए, सबसे पहले हम ये एक सिलाई इसी तरह से बनाएंगे। ये देखिए, आज मैं आपको ये चोली ही बना करके बताऊंगी, फिर इसके बाद आपको नीचे का घेरा हम बताएंगे इसी में। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक सिलाई इसी तरह से बनाएंगे। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं लड्डू गोपाल की ड्रेस आपको कैसी लगी। तो यहाँ पे ये देखिए, हमने एक सिलाई बना ली है। इसके बाद हम उल्टी सिलाई भी बना लेते हैं, ये देखिए, और आपको हम फिर दिखाते हैं। यहाँ पे मैं सीधी सिलाई पे हूँ और मैं इसमें जाली नहीं डालूंगी। और देखिए, मैं इसको आपको इसी तरह से बताऊंगी। ये देखिए, पहला फंदा हमने उतारना है और धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे हमने, ये देखिए, उल्टे बनाने हैं। अब हम, ये देखिए, आप इस तरह से फंदा उठा के भी यहाँ पे फंदे पीछे धागा बढ़ा सकते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पे हम 14 फंदों में फंदे बढ़ाएंगे। 3 फंदे हम इस साइड भी पहला फंदा उतारेंगे और 2 फंदे उल्टे बनाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे हम इस तरह से 14 फंदों में फंदे बढ़ा लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से। पहली सिलाई पे मैं फंदे बढ़ा रही हूँ, सॉरी, एक सिलाई बना करके, ये देखिए, एक फंदा बनाया, पीछे धागा किया, दूसरा फंदा बनाया, फिर धागा अपनी तरफ, ये देखिए, ये देखिए, इस तरह से। तो देखिए, यहाँ पे हम 14 फंदों में फंदा बढ़ा लिए हैं, ये देखिए, और अपनी तरफ धागा करके यहाँ पे हम 2 फंदे उल्टे बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से पीछे धागा करके 1 फंदा सीधा बनाएंगे। इसके बाद हम उल्टी सिलाई को पूरा उल्टा ही बनाएंगे। जो फंदे बढ़ चुके हैं सभी को हम इस तरह से पूरा उल्टा बना लेंगे। ये देखिए, बिना जालियों वाली आपको हम ये चोली बता रहे हैं। काफ़ी कमेंट आ रहे हैं कि हम बिना जालियों वाली आपको फिर से चोली बताएं, तो उल्टी सिलाई को बना लेते हैं। फ्रेंड्स, हम सीधी सिलाई पे हैं। अब हमने एक सिलाई पे फंदे बढ़ा लिए हैं 14 फंदों में, और 14 फंदों में 14 ही फंदे हमारे बढ़ चुके हैं। तो पहला फंदा हमने उतारा है अपनी तरफ धागा करके, यहाँ पर हम 2 फंदे उल्टे बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से। फिर पीछे धागा करके इस सिलाई पे हमने फंदे नहीं बढ़ाने,
हम पूरी सिलाई को सीधा बना लेंगे इस तरह से। अगर आप उल्टा बनाना चाहते हैं तो आप उल्टी सिलाई भी बना सकते हैं, मैं यहाँ पे सीधी सिलाई बना रही हूँ। ये देखिए, पूरी सिलाई को मैं इस तरह से सीधा बना लूँगी और उल्टी तरफ से उल्टा बना लूँगी। ये देखिए, तो यहाँ पे हम उल्टी और ये सीधी सिलाई को बना के कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से ही सभी फंदों पे फंदा बढ़ाएंगे, यानी कि हमने पहली सिलाई पे 14 फंदों पे बढ़ाया था, तो ये हमारे 28 फंदे हो चुके थे। अब हम 28 फंदों पे इसी तरह से सभी पे फंदा बढ़ा रहे हैं इस तरह से। ये देखिए, तो यहाँ पे ये देखिए धागा अपनी तरफ है, फंदा हमने बढ़ाया, वापस पीछे धागा किया, फिर एक फंदा इस तरह से बढ़ाया। ये देखिए, इसी तरह से हम बढ़ा के कंप्लीट करेंगे, उल्टी सिलाई को पूरा उल्टा बनाएंगे, जो फंदे बढ़ चुके हैं उनको भी सभी को उल्टा बना लेंगे। ये देखिए, इस तरह से ही सभी फंदों पे फंदा बढ़ाएंगे, यानी कि हमने पहली सिलाई पे 14 फंदों पे बढ़ाया था, तो ये हमारे 28 फंदे हो चुके थे। अब हम 28 फंदों पे इसी तरह से सभी पे फंदा बढ़ा रहे हैं इस तरह से। ये देखिए, तो यहाँ पे ये देखिए धागा अपनी तरफ है, फंदा हमने बढ़ाया, वापस पीछे धागा किया, फिर एक फंदा इस तरह से बढ़ाया। ये देखिए, इसी तरह से हम बढ़ा के कंप्लीट करेंगे, उल्टी सिलाई को पूरा उल्टा बनाएंगे, जो फंदे बढ़ चुके हैं उनको भी सभी को उल्टा बना लेंगे। हमने सिलाई पे फंदे बढ़ा लिए हैं और उल्टी सिलाई भी हमने बना ली है, तो यहाँ पे ये 4 सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। ये देखिए, यहाँ पे हमने एक सिलाई उल्टी बनाई थी, फिर फंदे बढ़ाए थे, उसके बाद हमने सीधी सिलाई बनाई है, फिर फंदे बढ़ाए हैं। अब इसके बाद फिर से हम इस सीधी सिलाई को हम ये देखिए पूरा इसको पहला फंदा उतारा, यहाँ पर उल्टा ही बनाएंगे, पूरी सिलाई को हम उल्टा बना लेंगे यहाँ पर। जिस तरह से आपकी डिमांड पे हम उसी तरह से बता रहे हैं, जैसे आपने हमको बोला था, हम इसी तरह से आपको ये बता रहे हैं। ये देखिए, जो चोली मैंने अपने चैनल में अपलोड की हुई है उससे अलग हम आपको ये बता रहे हैं, जिसको मैंने बना के नहीं बताया है, तो उसी के लिए काफ़ी कमेंट आ रहे हैं कि मैं इसी तरह की चोली बताऊँ, तो वो ही मैं आपको बता रही हूँ। उसका हमने घेरा ही बनाया है, वो मैंने अपने चैनल में अपलोड कर दी है। ये देखिए, तो फंदे बढ़ा के हम पूरी सिलाई को उल्टा बना रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे 5वीं सिलाई को हम पूरा उल्टा बना रहे हैं और उल्टी तरफ से हमने रेड कलर को लगाना है, तो ये हम पूरी सिलाई को उल्टा बना लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे उल्टी सीधी सिलाई उल्टी बन चुकी है, सॉरी, पीछे धागा करके लास्ट का फंदा हम सीधा बना लेंगे। तो यहाँ पे हम उल्टी सिलाई को बना चुके हैं, इसके बाद हमने यहाँ पे ये रेड कलर लगाना है उल्टी तरफ से, और हम उल्टी तरफ से इसको रेड कलर को लगा देते हैं, और सीधी सिलाई भी हमने इसमें ये उल्टी ही बनानी है। ये देखिए, इस तरह से। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ये देखिए, तो यहाँ पे हमने उल्टी तरफ से
रेड कलर लगा दिया है, तो ये बना लेते हैं और आपको फिर दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे उल्टी सिलाई पे रेड कलर को लगाया था, उल्टी सिलाई यहाँ पे हो चुकी है, ये देखिए इस तरह से। अब हम ये उल्टी सिलाई भी, सॉरी सीधी सिलाई को भी हम सेम उसी तरह से पूरा सिलाई को उल्टा बना लेंगे। ये देखिए ये देखिए, तो यहाँ पे हम उल्टी सिलाई को, सॉरी सीधी सिलाई को हम पूरा उल्टा बना रहे हैं। ये देखिए इस तरह से, तो ये हमारी छठी सिलाई है, यहाँ पे हम छठी सिलाई चला रहे हैं रेड कलर की, तो हम इसको बना लेते हैं। रेड कलर हमने लगा लिया है, इसके बाद हम फिर से पिंक को लगाएंगे और एक सिलाई हमने पूरी पिंक से ही बनानी है। ये देखिए उल्टी तरफ से भी हमने उल्टा ही बनाना है और सीधी तरफ से भी हम पिंक की पूरी सिलाई हम, ये देखिए इसी तरह से बनाएंगे। तो यहाँ पे हम एक सिलाई पिंक कलर की बना लेते हैं और आपको फिर दिखाते हैं। आज मैंने यहाँ पे सातवीं सिलाई भी बना ली है पिंक कलर की भी। अब हम उल्टी तरफ से फिर से रेड कलर को लगा देते हैं और सीधी तरफ से आपको फिर दिखाते हैं। ये देखिए, तो हम इस रेड कलर को लगा लेते हैं और सीधी तरफ से मैं आपको फिर दिखा देती हूँ। यहाँ पे उल्टी तरफ से रेड कलर को फिर से लगा दिया है, आठवीं सिलाई पे हैं हम, ये देखिए। अब इसके बाद हम यहाँ पे, ये देखिए पहला फंदा उतार के, ये देखिए इस तरह से एक, सॉरी दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, आठ फंदे हमने बना लिए कंधे के लिए। इसके बाद ये देखिए हम यहाँ पे फंदे कम करेंगे, बाजू के लिए फंदे हम घटाएंगे। तो देखिए हमने किस तरह से आठ फंदे हमने बना के यहाँ से हमने बाजू को घटाना है। तो ये देखिए एक, लूज नहीं छोड़ना है, थोड़ा टाइट ही इसको खींच के घटाना है फंदों को, दो, ये देखिए तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, वापस सिलाई में डाला, नौ, और ये दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह और ये पंद्रह। यहाँ पे हम बाजू के लिए, ये देखिए पंद्रह फंदे घटा चुके हैं, ये देखिए इस तरह से। इसके बाद हम यहाँ पे पीठ के लिए फिर से हम पंद्रह फंदे बना लेंगे। ये देखिए दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, पंद्रह ही फंदे हमने पीठ के लिए बना लिए हैं। इसके बाद हम फिर से पंद्रह फंदे घटा देंगे दूसरी बाजू के लिए। ये देखिए एक, यहाँ पे हम दूसरी बाजू घटा रहे हैं एक, ये देखिए दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह और ये पंद्रह।
हमने इनको थोड़ा टाइट टाइट ही घटाया है, ढीला नहीं छोड़ा है। और ये 8 फंदे हम कंधे के लिए इधर भी बना लेते हैं। 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। तो यहाँ पे ये देखिए दोनों बाजू घट के हमारी कंप्लीट है इस तरह से। इसके बाद हम पूरी सिलाई को इधर से पिंक कलर को लगा के पूरी सिलाई को हम उल्टा बनाते हुए जाएंगे। ये देखिए तीनों हिस्सों के फंदे हम एक से ही नुई बनाते हुए चले जाएंगे। ये देखिए पिंक कलर हमने लगा दिया है यहाँ पे। ये देखिए तो यहाँ पे ये देखिए इस तरह से बाजू को जॉइंट कर लेते हैं। ये देखिए तो बाजू में हम यहाँ पे इसी तरह से उल्टी सिलाई को बना लेते हैं, फिर दिखाते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे दोनों बाजू घटा चुके हैं। अब हम यहाँ पे ये देखिए पहला फंदा उतारा, इस तरह से पूरी सिलाई को हम यहाँ पे नीचे भी उल्टा ही बना लेंगे। और ये हमने 4 सिलाइयाँ बना के कंप्लीट करनी है। ये देखिए इस तरह से, तो यहाँ पे मैं ये 4 सिलाइयाँ बना लेती हूँ। ये देखिए इस तरह से, और आपको फिर दिखा। मैंने यहाँ पे ये चोली बना के कंप्लीट कर ली है। और ये हमारे पास 30 फंदे हैं सभी। ये देखिए बहुत आसान तरीके से बहुत ही प्यारी सी लड्डू गोपाल की चोली बनके कंप्लीट हो गई है। ये देखिए अब इसका नीचे का घेरा हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तो हमने आपको आज ये चोली ही बना करके बताई है। ये देखिए तो आज का वीडियो ये पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं ये कान्हा जी की चोली आपको कैसी लगी। तो चलिए हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।